दोस्तों अक्सर मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, कुछ बच्चे यूपी से होते हैं, कुछ बिहार से, कुछ एमपी से, राजस्थान से। एक बहुत ही कॉमन सवाल था कि सर जो मेरा बोर्ड है ना वो सीबीएसई बोर्ड नहीं है, यानी कि हमारे यहाँ एनसीईआरटी के बुक्स नहीं चलती हैं, मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक है, इसके अलावा मेरी फैमिली जो है इतनी कैपेबल नहीं है कि वो मुझे कोचिंग करा पाए, तो क्या उस कंडीशन में मैं डॉक्टर बन पाऊँगा? तो ऐसे सभी बच्चों को छोटा सा एग्जाम्पल भी देने का प्रयास करूँगा। देखिए मेरे पास एक 500 रुपीज़ की नोट है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये 500 रुपीज़ हैं, इनकी वैल्यू है 500 रुपीज़। अगर इस नोट को मैं दो पार्ट में जो है फोल्ड कर दूं, तो क्या इसकी वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसको मैं दो पार्ट्स में और डिवाइड करता हूँ, अभी भी ये 500 ही है, ठीक है, दो पार्ट्स में और डिवाइड करता हूँ, अभी भी 500 है। इस नोट को आप कितना भी फोल्ड कर दो, इसकी वैल्यू 500 ही रहेगी, जब तक कि नोट फटेगी नहीं। यही सिचुएशन सेम आपके साथ है, इंग्लिश ना आना, सीबीएसई बोर्ड में ना पढ़ना या कोचिंग ना करना, ये कोई कॉज नहीं है। सिलेक्शन डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर। जैसे ये 500 रुपीज़ 500 ही रहेगा, वैसे आपका नॉलेज आपको सिलेक्शन दिलाएगा, आप में और एक उस बच्चे में जो सीबीएसई बोर्ड से इंग्लिश अच्छे जो कोचिंग कर रहा है, सिर्फ फर्क क्या है भाई, दो हाथ आपके पास है, दो उसके पास है, आपके पास भी 1200 ग्राम का ब्रेन है, उसके पास भी सेम है, बस आपकी सोच नहीं है यार। सिलेक्शन किसी बोर्ड किसी लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करती है, सिलेक्शन हमेशा डिपेंड करती है आपकी मेंटेलिटी के ऊपर, कि कितना आप पॉजिटिव सोचते हो और कितना आप हार्डवर्क करते हो। जो बुक आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की है, आप उस बुक को पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो, उसके बाद जो नीट के क्वेश्चन है ना उनको सॉल्व करो, सिलेक्शन आपका ही होगा। और अपने आप को कमज़ोर मानना बंद करो, क्योंकि अगर आप कमज़ोर अपने आप को मानोगे तो दुनिया आपको कमज़ोर बना देगी। लैंग्वेज डजेंट मैटर कि आपकी हिंदी है कि बिहारी है कि कोई भी है यार, आपको पेपर लगभग सभी लैंग्वेज में मिलेंगे, 16 लैंग्वेज होते हैं, इसमें हिंदी भी होती है, इंग्लिश भी होती है, मराठी भी होती है, गुजराती भी होती है, बंगाली भी होती है, आप किसी भी लैंग्वेज में हो आप नीट एग्ज़ाम दे सकते हो। इंग्लिश आपको सब में ऑप्शन मिलेगी, इंग्लिश अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, सिलेक्शन दे दो, MBBS मिल जाएगा, उसके बाद की बात देखेंगे ना कि कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अभी फोकस अपने आप को कमज़ोर बनाने पे नहीं, अपने आप को स्ट्रांग बनाने पे रखो और सिलेक्शन देने के लिए जमकर हार्डवर्क करो, फिर बात करेंगे मिलके आगे क्या करना है।